Assalamualaikum. तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी, लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा एनोनिमस की पब्लिक लाइक। तो दबा दो लाइक बटन। उसके बाद अर्ज किया है, पांच बार वाह वाह करेंगे साथ में कीजिएगा। अर्ज किया है कि जब मारना हो स्क्वाड तो हमें खेलना पड़ता है जुड़ के, वाह 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 वाह। जब मारना हो स्क्वाड तो हमें खेलना पड़ता है जुड़ के, जब हम करते हैं काम को ना तो अम्मी की चप्पल आती है उड़ के। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जे। तो अगर आपको हमारी सस्ती शायरी पसंद आई तो लाइक बटन दबा देना, और कुछ ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना, और उससे ज़्यादा पसंद आई तो शेयर कर देना। एनोनिमस के पब्लिक, हम लोग जा रहे थे मिलिट्री बेस जिसका हमने नाम रखा हुआ है मुल्तान, और हम फिर से खेल रहे थे डुओ स्क्वाड, और यहाँ पर ना बड़े मज़े की फाइट होने वाली है। और आपसे एक और गिला करना था कि मेरे अब्बू कह रहे थे कि बेटा आप एक डायलॉग बोलते हैं जिसको मैं आता है कि मौत को छू गए टक से वापस आ गए, तो वो मत बोला करो, उसमें जो है ना लाइक थोड़ा सा तकब्बुर आ जाता है, तो वो चीज़ अल्लाह ताला को नहीं पसंद। तो आपका एनोनिमस आज से ये नहीं बोलेगा मौत को छू के टक से वापस आ गए। तो ये डायलॉग हम लोग आज से मिस करा रहे हैं, हम नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ और बोलेंगे, ऐसे कैसे बाबा जी या कुछ भी बोल लेंगे डायलॉग बड़े। आपका एनोनिमस कोई नया निकालेगा एक आधे दिन में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, नया डायलॉग आएगा मस्त करके आएगा। लेकिन अब अबू हैं और बात भी वो ठीक कर रहे हैं कि तकब्बुर आ जाता है एक तरीके से कि मौत को चूके टक से, हालांकि हम लोग फनी वे में बोल रहे हैं बट अच्छी बात नहीं है। तो चलो हम ये डायलॉग जो है वो कटा देंगे, लेकिन हम नया डायलॉग लेके आएंगे। मेरे पास कारल थी, उजी थी, और बाबा जी नेट वेट मिल गया था। अब मैंने बिल्डिंग चेंज करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला मेरा कितना सही है कितना गलत है। ओहो सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, आप बंदर बन के नीचे उतर रहे हो। गोलियां मारी मैंने बट भाई बहुत लोग थे, लेकिन जिंदा बच गई, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और नाड़ा कच्चे के लिए होगा, ये डायलॉग तो फेमस है ना भाई का आपके, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। टेंशन नहीं लेनी बाबा जी, नेट पे नेट मिला जा रहा था हमें, और काफ़ी ठीक ठाक लॉबी आई हुई थी, लेकिन आप देखोगे कि इस बार हम इतना मौत के करीब पहुंच गए थे कि ओके फिर मैं वही बात कर रहा हूँ लॉल। अभी आदत ख़त्म करने में टाइम तो लगेगा, पूरा साल हो गया मौत को छूके बोल बोल के, बट अभी टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो गाइस, अभी मैं यहाँ ऊपर आ गया था और वो लोग मुझे पर रश कर रहे थे, तो मेरी टीममेट ने अच्छे से कवर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी बैंड बज जाती, कान के नीचे लगाएंगे क्रेट बनाएंगे। उसी लेके मैंने नीचे जंप किया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऑन टाइम मेरी टीममेट मेरी हेल्प के लिए आ गए, उन्होंने जो है ना मुझे अच्छे से कवर दे दिए, तो यहाँ मैं बच गया, वरना मुझे रश होता तो मेरी बैंड बज जाती। और इसी बहाने हमने इनका ये सलमान खान बंदा जो था ना, सलमान खान, इसको नॉक एंड फिनिश कर दिया था। अब इनके बचे बाकी बंदे तीन, तो तीन बंदों को मारना इतना मुश्किल तो होने वाला नहीं है। अब ये सामने के सारे सामने वाले बिल्डिंग में थे, यहाँ हमने देखो नेट तो निकाल लिया, लेकिन नेट का टाइम नहीं देखा, आहा हा कुक करने, और जब तक फेंका वो चुप करा, थोड़ा जल्दी फेंक दिया था वरना अपने बम में फट जाता नेट। फिर मैंने कर दिया गाइस ऊपर रश, और यहाँ पे आप देखोगे कि जिंदगी खतरे में आ जाएगी। बाबा जी ये एक और आ गया, ओके देखो गाइस मैं अटक गया, मैं अंदर भाग रहा था, इसने मुझे फंसा दिया। ऐसे कैसे बाबा जी अकल इस्तेमाल की और एनिमीज की बैंड बजाई और चाय पी और डबल रोटी खाई, कोई सेंस नहीं बनता बात का, बट बोलना पड़ता है। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि आपको ना जितना मैं लगता हूँ ना कि कैमरे के सामने बैठ के बोल ही जा रहा है तो ये बहुत बोलता होगा, मेरी रियल में ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे सामने आके मुझसे मिलोगे ना, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा थोड़ा ऐसा नेचर है। लेकिन यहाँ पे कोई होता नहीं है, खाली कमरा है, कौन है, सामने मोबाइल है, बोलो। तो यहाँ मैं बड़ा जोश से बोल रहा हूँ बट रियल में मैं नहीं बोल सकता। तो बाबा जी उसके बाद हम वहाँ से निकले, और अभी आपने देखा कि मैंने एक नॉक किया था, और फिर ये भाई देखो रिवाइव दे रहे हैं, आ हा हा हा, इनके पिछवाड़े में हम फेंकेंगे नेट ठा करके फटा बम में, और अब ये नॉक है तो इनका भी फिनिश किया जाएगा, अब इनकी करेंगे मजे से लूट बाबा जी, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, लूट का नो मजाक। आपके टीममेट ना 1000 रुपये देना कि भाई क्रेट से लूट उठाने, बोला ना 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 2000 ना 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 ना, लूट की कीमत नहीं होती उन्हें बता दिया जाए, लूट का कोई मजाक नहीं होता, तुम कुछ चाहे बेच लो, तुम हमें हीरे जवाहरात दे दो, तुम हमें कोई भी दुनिया की चीज़ दे दो, लेकिन जब क्रेट से लूट उठाने की बात आएगी तो हम ये सौदा बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट। ओवर एक्टिंग के पैसे काटे जाएं, बाकी लाइक डिसलाइक मत करना, आपको हंसाने के लिए था,
डिसलाइक मत करना। तो वो बंदा सामने इनका एक बच्चा था, यहाँ पे फाइट हो रही थी, और फिर बाबा जी मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को हेल्प के लिए बुलाया और मैंने रश किया, आए हाय 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 बैंड बजा दी भैया की, और भैया को भेजा वापस से लॉबी और मजे से कर रहे हैं लूट। आहा हा लूट का नो मजाक बाबा जी। फिर हम यहाँ पे गधा गाड़ी में बैठेंगे और इसको भगा के ले जाएंगे ब्रिज के दूसरी साइड, क्योंकि हमें अभी बंदे बंदे ढूंढने थे। फौरन से पहुंचे पुचिंकी के पास में, और यहाँ पे ना राइट में ना गाइस काफ़ी दूर फ्लेयर चली थी, तो मेरी टीम ने मुझे मार्क करके बताया, तो हम फ्लेयर के स्मोक के पीछे पीछे चल पड़े। और जैसे हम पास पहुंचे यहाँ पे एक ही बंदा बचता, यहाँ पे ऑलरेडी फाइट हो चुकी थी और एनिमीज की बैंड बच चुकी थी, सोलो बंदा बचा था। और मेरा लक इतना ख़राब है ना, जब मुझे किल नहीं मिलना होता ना, फिर मैं कुछ चाहे कर लूँ, फिर मैं जितना मर्जी सबर करके खेल लूँ, मेरे नसीब में किल नहीं आएंगे, ऐसा है। और समटाइम ऐसा होता है मार किसी को लग मतलब नहीं भी मार रहा होता, फिर भी बंदा मुझसे मर जाता है। तो ये तो मैं नेट निकाला, बट वो बंदा फौरन से मुझे मारने आया, मुझे कवर मिली टीममेट की तरफ से, अच्छी बात है कि वो मर गया। और मुझे लग रहा था उस पेड़ दरख्त के पीछे ना, पेड़ के पीछे दो बंदे हैं, बट वो एक ही था। तो इस भैया को करेंगे यहाँ पे फिनिश बाबा जी, और इनकी करेंगे लूट। और यहाँ पे हमें बताओ कौन सी गन मिलेगी, कॉमेंट करके बताओ। अगर आप रियल एनोनिमस की पब्लिक हो तो आप सच्चा से सच्चा जवाब दोगे हमारी खुशी देख के। पॉज करो वीडियो और कमेंट करके बताओ कि यहाँ हमें कौन सी गन मिलने वाली है। वो हमें हमारे एक हिंट दे देता हूँ कि मेरी टीममेट मुझे खुद से ला के देंगे कि ये लो यूज़ करो। तो आपको ये हिंट हमने दे दी, आप हमें बताओ कि कौन सी गन है। तो वो थी ओम बाबा जी, AWM बाबा जी, जिसका आंसर ठीक है, वो बड़ा बहुत ही बड़ा वाला ओम का फैन है। तो यहाँ पे गाइस हो जाती है फाइट, कार फाइट, और मैंने फौरन से भगाई क्योंकि मुझे नजर आ रहा था वो पूरा स्क्वाड है, हम दो बंदे और गोली मारने वाला हमारी गाड़ी में एक ही है। तो मैं फौरन से स्क्वाड हाउस यानी अनोनिमस हाउस पे गाड़ी रोकी और मैं भग के अंदर जाऊंगा, और अंदर जाके यहाँ पे एनिमिस का करूंगा वेट, क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा, देख ही जाएगी बाबा जी। यहाँ पे गाड़ी रोकी, ओहो, और वो एम करके खड़ा है भाई, उसने हेड मारा और मुझे मेरा हेलमेट गया और मेरी हेल्थ आधी गई। फिर भी मैंने यहाँ पे दो बंदों को डाउन कर दिया, एक ही बंदा बचा है, नेट आया था तो मैं वहाँ से हट गया। और उसके बाद बाबा जी हमने फैसला किया कि हम करेंगे रश आखिरी बंदे पे, जंप कर दी क्योंकि हमें चाहिए थे किल, क्योंकि बाबा जी किल का नो मजाक। When you see the banda, you just run, 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 निकालिंग योर गन, मारिंग बंदा, इस कार्ड किल का नो मजाक बाबा जी। ये है अनोनिमस का दूसरा लॉ, तीसरा भी है वो सिचुएशन में बताएंगे, कभी अभी सिचुएशन आई नहीं है। बाबा जी यहाँ पे हमने अकल इस्तेमाल की और लूट करने लगे। अब मैं आदत डाल रहा हूँ ना बोलने की ये अनोनिमस की पब्लिक, नया डायलॉग मैं सोचता हूँ और ऐसा होगा आपको बहुत पसंद आएगा। बाबा जी बम पे लगाया, लबी भगाया, तुमको हंसाया, वाह 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 वाह। बाबा जी बम पे लगाया, लबी भगाया, तुमको हंसाया, लूट उठाया, रैप सुनाया, बड़ा मज़ा आया, वाह 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 वाह। अनोनिमस टैलेंटेड है आपका, देख लो। तो बाबा जी इसके बाद ओ हो बैंड बज गई, एक विलन मिस्टर विलन भैया ने हमारी सारी हीरोगिरी निकाल दी, लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी देखी जाएगी। और यहाँ पे हमारे टीममेट ने 1v2 कर दिया, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ, तुम बड़ा अच्छा खेल रहे हो भाई, नाइस। अब भाई जल्दी से हमें रिवाइव दे दो, और फिर तुम बिल्कुल ही काम का नहीं खेल रहे हो, जब तक रिवाइव नहीं होते ना तब तक अपने टीममेट की तारीफ किया करो। जब आप 9 बजे थे आप भी ऐसे करते हो ना, वाह क्या खेला, वाह भाई वाह, मेरा टीममेट प्रो है, नाइस। और जब रिवाइव हो जाते हो फिर से कहते हो वाह नूबड़े वाह, है ना, ऐसे करते हो ना, मुझे पता है अनोनिमस की पब्लिक। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके आए थे सीधा यासनाया, यानी जिसका हमने नाम रखा था इस्लामाबाद, और इसकी बिल्डिंग पे जाके चलाएंगे पिचकारी यानी फ्लेयर गन, ऐसे अजीब अजीब आपके अनोनिमस ने रख रखे हैं नाम। और उसके बाद हमने दुड़की लगा, अच्छा ये तो चलो अच्छी बात है, क्विक ड्रॉ मिल गया था हमारी ओम का। और फौरन से हमने दुड़की लगाई, छत पे आके चलाएंगे फ्लेयर ठा करके। और उसके बाद बाबा जी बंदा मुझे नजर आता है जो कि भाग रहा था, मैंने निकाली अपनी M4, लेटा और स्प्रे करके डाउन कर दिया। गाइस देख लो अपने अनोनिमस का, मैं एक बात बता दूं, कभी ये मत सोचना कि मेरी गोलियां लगेंगी या नहीं लगेंगी, इतनी एमओ होती है यार पूरे मैप में, कहीं ना कहीं से मिली जाएगी ना एमओ, जाया की फिक्र नहीं किया करो, निकाल दिया करो गन में से। और समटाइम ऐसा काम कर दूंगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी, तो ये मेरी बात माना करो, घबराया मत करो। देखो मैंने भी यहाँ पे नॉक किया, हालांकि दरख्त आ गया था बट मैंने अपना स्प्रे नहीं रोका, और उसको एक दो गोली लगनी थी, वो लग के वो बाद में नॉक हो गया, तो ऐसे ही किया करो गाइस। तो फिर हमने यहाँ पे बूस्ट मारा, बाबा जी भगाई गाड़ी, अब हमें लग रहा था कि एक आधा बंदा होगा, लेकिन यहाँ पे था पूरा स्क्वाड, तो हमारी बैंड बजने वाली है। और जैसे हमने गाड़ी भगाई, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हम दोनों मरते मरते बचे थे, ये बंदा तो गाड़ी के नीचे आते आते बचा, और उसने अपनी इतनी गोलियाँ मारी कि सारी रीलोड पर लग गई गन इसकी, और जब तक ये रीलोड कर था मैंने इसको डाउन कर दिया यहाँ पे। अब इनका एक ही बंदा बचा है क्योंकि दो मैंने नॉक कर दिए और एक ही बचता है,
और वो वापस वहाँ पे घूम रहा था। पहले तो मैंने इसको नॉक वाले को फिनिश किया था आई गेस, नहीं किया मेरे ख्याल में, ओके नहीं किया। तो पहले थोड़ा सा बैंडेज लगा के हेल्प पूरी करते। आए हाय सर जी, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, जाओ वापस जाओ मेरे भाई। ऐसे M249 दूर से नहीं चलाते। और अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं किया तो आप बड़ा गलत कर रहे हो। देखो आपका नानी बस ना पसीने में बैठ के आपके लिए पंखा बंद करके खिड़की बंद करके लाइट के सामने बैठ के कमेंट्री कर रहा है और आप लाइक नहीं कर रहे हो, बड़ी गलत बात है। तो उसके बाद बाबा जी यहाँ पे आता, साउंड आपने देखा था किसी ने गोली चलाई थी और मैं इस बंदे को ढूंढता ढूंढता यहाँ पे आ जाता हूँ। साजिद भैया, साजिद अकबर भैया हमारे घास में लेट के अपने बम पे ना धूप लगा रहे होते हैं, धूप इनके बम बोल रहा होता है धूप लॉल। और फिर ये बंदे मुझे नजर आते, मैंने इनके कान के नीचे लगाया, अभी तक नहीं लगाया, बेस्ती हो गई। कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया और उसके बाद हमने MYS प्यूरी भाई थी हमारे, और ये लोग जंप करने लग गए तो हम समझ गए कि अनोनीमस की पब्लिक है। तो हमने कहा मुलाकात की जाए, अनोनीमस की पब्लिक से मुलाकात की जाए। इस पर कोई सस्ती शायरी हो जाए जिसकी दूसरी लाइन होनी चाहिए अनोनीमस की पब्लिक से मुलाकात की जाए। ओके हमें बहुत पसंद है चाय, अनोनीमस की पब्लिक से मुलाकात की जाए। वाह 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 वाह, सस्ती शायरी पे अनोनीमस। तो हमने अपने भाई लोगों से यह बात की और इतनी देर में कोई पास था सांप का बच्चा, उसने नेट फेंकना शुरू कर दिया हम पे। ऐसे मुलाकात कर रही है अनोनीमस की पब्लिक अनोनीमस से और आप बम में मार रहे हो नेट, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर हम खड़े हुए, मैं स्पॉट पे लगा और ये मेरे सामने नजर आ जाता है। तो हमने फौरन से इसको भेजा वापस लॉबी। अरबी हाज हाज अरबी अरबी सांप उन बनी उन मारी उन गोलियां उन बम उन ऑन अस उन एंड अवर हेल्थ इज जाइंग उन सो आई एम मारिंग उन। बकवास सी बातें भी। तो फिर आपका अनोनिमस यहाँ पे खुद को नेट कर लेता है टीममेट के साथ और चिकन दे देता है अनोनिमस की पब्लिक को, और वो बड़े खुश होकर बोलते हैं ओए चिकन दे दिया, चिकन दे दिया, भाई ले लो आप पर ऐसे मेरे लाखों चिकन कुर्बान अनोनिमस की पब्लिक। और फिर उसके बाद हम आते हैं TDM में। आप दोबारा से बताइएगा कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा था। और ये लगाया कान के नीचे, ये नहीं लगाया, बेस्ती हो गई ये, ओके नहीं लगा, बेस्ती हो गई, ओके वो पहले ही मर गया, बेस्ती बड़ी बेस्ती हो रही है भाई शुरू में। ये लगा, कमेंट करके टाइम के हिसाब से बताना दोबारा अनोनिमस की पब्लिक फेवरेट शॉट आपका कौन सा था, मैं अपना बताऊंगा। ओके ये भी मर चुका है, हमारे भी आई गेस 2 किल हैं। ओके ये हम फिर मर गए, बेस्ती हो गई, बट एक अच्छा किल तो आएगा, आपका बड़ा पसंद आएगा, तो हम भी उसी का इंतज़ार करते हैं फिलहाल। और ये हम जमीन पे बम घिसते घिसते आगे बढ़ रहे हैं। ये लगा बाबा जी, ये भी ठीक ठाक था और ये तो मैंने मिस कर दिया। ओके और ये लगा, नाइस 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 नाइस। ये लगा ऐसे कैसे बाबा जे, ये लगा पीलिए वापस से जा मेरे, देखती हो गई ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होती रहती है। फिर भाई अब किल इक्वल जा रहे हैं, 21 उनके हैं 21 हमारे हैं और हम चला भी M24 रहे हैं। और ये नहीं लगा, ओके ये लगा नहीं लगा। और बाबा जी 22 किल हो चुके हैं और हमें कैसे भी करके चिकन लेना है। और अभी मैं मिस भी कर रहा था शॉट्स। और चल भाई पीले वाले भैया वापस जाओ, वापस टिकट टिकट आओ वापस जाओ। अभी तक वो शॉट नहीं आई जो मेरी फेवरेट है, अभी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा गाइस। ये लगा पता नहीं ये वाली थी या दूसरी थी, ओके दो बंदे हमें मैंने डाउन किया था बाबा जी। 26 किल हमारे हो चुके थे और 24 जो हमारी एनिमीज के हो चुके थे। और ये वाली मेरी फेवरेट है गाइस शायद से, ओके अभी नहीं लगा, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती मेरी बड़ी हो रही है आज। 27 हमारे हैं 24, ये मेरा फेवरेट शॉट था बाबा जी, हाँ ये वाला था मेरा, ये बॉडी शॉट लगा बट वो मरा नहीं। और रुक जा भाई रुक जा, ये लगा आहा हा मजा आया, वाह 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 वाह। और ये हमारी बैंड बजा दी, बैंड बजा दी गई गाइस। 13 किल मेरे हो चुके हैं, 32 किल हमारी टीम के हैं, 28 किल हमारे एनिमीज के थे। और ये भैया तो पता नहीं कौन सी घटिया गन लेके आ रहा है, पड़ी 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 करके मारी जा रहे हैं, नहीं ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे थोड़ी होता है। ये लगा और ये आखिरी किल चाहिए बाबा जी, आखिरी किल तो करके मजा ही आ जाता है, ऐसा लगता है मैदान मार लिया आखिरी किल करके। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना अनोनिमस की पब्लिक। बाकी ऐसे ही हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मचाते रहेंगे, बस वीडियो लंबी कर रहा हूँ, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।